हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये कंफर्टेबल फ्रंट प्लेटेड कॉर्ड सेट टॉप की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो ये एक अफगानी कॉर्ड सेट है, इसकी शलवार की कटिंग स्टिचिंग वीडियो आपको मेरे सेकंड चैनल पर मिल जाएगी या फिर लिंक आपको इसी वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर मिलेगा। इस वीडियो में हम ये टॉप की कटिंग स्टिचिंग सीखेंगे। ये फुल कॉर्ड सेट 4 मीटर फैब्रिक से बना है, तो आप अपने किसी भी सिंपल 4 मीटर फैब्रिक के साथ इसको बना सकते हैं। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, जिन लोगों को फ्रंट ओपन कॉर्ड सेट पसंद नहीं है सो उनकी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कॉर्ड सेट बनाया है। अब देखिए, टॉप बनाने के लिए हमें 2 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत होगी, तो मैंने यहाँ पर 2 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है और 2 मीटर में ही इसकी अफगानी शलवार बनाई थी, तो टोटल हमारा 4 मीटर फैब्रिक हो गया। तो साइज़ के हिसाब से आपको टॉप के लिए फैब्रिक लेना होगा। अगर आपको 38 इंच से ज़्यादा की लंबाई चाहिए तो आपको फैब्रिक की लंबाई भी ज़्यादा लेनी होगी। तो मैंने 2 मीटर लिया है, आप इसी के हिसाब से 2.5 मीटर ले सकते हैं। तो कपड़े को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है किनारी वाली साइड से, और इस तरह से ये 41 इंच है, तो तकरीबन हमारा ये 2 मीटर है। 39 इंच की लेंथ पर ये तैयार हो जाएगा। अब 2 मीटर कपड़े को हमने बराबर फोल्ड करके रखा है, जिसमें से हम इसको बीच में से कट कर लेंगे, तो 1-1 मीटर के हमारे ये 2 पीस हो जाएंगे इस तरह से। अब 1 पीस इसमें से हम निकाल देंगे, जो कि हमारा बैक पार्ट होगा, और फ्रंट पार्ट के लिए हमने फैब्रिक को फोल्ड करना है इस तरह से। तो यहाँ से फोल्ड करने के लिए हम अपनी जो सिंपल कुर्ती की फोल्डिंग करते हैं उससे लगभग 3 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। जैसे मैं सिंपल कुर्ती कट करने के लिए 13 इंच पर कपड़े को फोल्ड करती हूँ, बट यहाँ पर मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा, यानी टोटल मैंने 16 इंच पर इसको फोल्ड किया है। ये देखिए 16 इंच है। अब बंद वाली साइड से जो हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है, यहाँ पर हमने कपड़े को मार्क करके अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। इस तरह से कपड़े को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, और आप चाहें तो इसके ऊपर आयरन भी कर सकते हैं। ये देखिए, 3 इंच फोल्ड करने के बाद हमारी चौड़ाई जो है वो 13 इंच बची है। अब बैक वाला पार्ट फोल्ड करने के लिए हमने उतना ही लेना है जितना हमारा अभी फ़िलहाल फोल्ड है, यानी 13 इंच पर मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारी जो नॉर्मल कटिंग होती है कुर्ती की, उतनी ही चौड़ाई लेकर बैक पार्ट फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर इसको मिलाकर रख लेंगे। तो मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ, उसको मैंने 13 इंच फोल्ड किया है। ये देखिए, जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट था वो भी 13 इंच था, तो बस यहाँ पर उतनी ही चौड़ाई आ गई है जो हमारी सिंपल कुर्ती की चौड़ाई होती है कटिंग के टाइम। इसके बाद अब हमने मार्किंग करनी है, तो यहाँ से शोल्डर का हाफ लेंगे। सो मैं शोल्डर का हाफ 7.5 इंच लूँगी, आपका जितना भी है आप मार्क कर लीजिए। उसके बाद नेक की विड्थ हम यहाँ से 3 इंच लेंगे, और 1/2 इंच पर हमने शोल्डर डाउन करना है इस तरह से। इसके बाद आर्म होल की जो लेंथ है वो भी मैं 7 इंच ले रही हूँ। तो गाइज़, ये 42 इंच बस्ट के लिए कुर्ती बना रही हूँ मैं। इसके बाद यहाँ से 10.5 इंच पर बस्ट का फुट पार्ट मार्क करेंगे, और आगे से हमारा ये मार्जिन आ गया है। अब फ्री हैंड से बैक आर्म होल की शेप दे देंगे। इसके बाद हमने वेस्ट लेंथ लेनी है, तो बस्ट से लेकर वेस्ट की जो लेंथ है वो 7 इंच लेंगे, और हिप लाइन जो है हम 12 इंच लेंगे। इसके बाद वेस्ट की फ़िटिंग के लिए 9 इंच पर मार्क करेंगे, और हिप लाइन जो है वो मैं 11 इंच पर बना रही हूँ। ये देखिए, 44 इंच इसका हिप लाइन है। अब जितना भी हमारा हिप लाइन आया है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर हमने दामन ले लेना है, तो 11.5 इंच पर मैं दामन मार्क करूँगी। अब देखिए, जितनी भी हमने मार्किंग की है ये सब एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। तो पहले दामन से हिप लाइन को हमने इस तरह से मिला लेना है ऐसे करके, इसके बाद हिप लाइन से हम वेस्ट लाइन को मिलाएंगे, और वेस्ट लाइन से बस्ट लाइन को मिलाएंगे। आगे से हम मार्जिन ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर जितना भी आपको मार्जिन ऐड करना है वो 1.5 से 2 इंच लेकर आप मार्जिन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जो हमारा फैब्रिक बचेगा, इससे हमने स्लीव बना लेनी है, ये देखिए, और नीचे से जो फैब्रिक निकल रहा है इससे हम नेक बना लेंगे। तो सिंपली हमारी जो स्लीव है वो कुछ इस तरह से आ जाएंगी। 20 इंच की लेंथ पर इसकी कटिंग होगी, और जो आर्म होल है वो मैं 10 इंच लूँगी, और ये बचा हुआ फैब्रिक हमारा, इससे हम नेक बना लेंगे। तो सिंपल स्लीव मैंने कट कर ली है, आपको अगर किसी तरह की और स्लीव डिज़ाइन चाहिए तो आप वो बना सकते हैं। नीचे से दामन जितना भी आपको एक्स्ट्रा फोल्ड करना है उस पर छोटा सा एक कट लगा लेंगे। अब चलिए, हमने अपना बैक नेक कट करना है, तो
तो दोनों नेक की जो विड्थ रहेगी वो 3 इंच रहेगी, तो 3 इंच हमने पहले ही मार्क कर लिया था। उसके बाद बैक नेक की लेंथ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर 5 इंच ले रही हूँ बैक नेक की लेंथ। नीचे से भी 3 इंच मार्क करके एक बॉक्स बना लेंगे और उसमें नेक की शेप दे देंगे। अब नेक जो है वो हम सिर्फ बैक वाले पार्ट में ही कट कर रहे हैं क्योंकि हम इसको तिरछी पट्टी पर बनाएंगे, तो नेक हमने कट कर दिया है, बैक वाला पार्ट हटा देंगे। अब फ्रंट पार्ट के लिए देखिए, यहाँ पर हमने जितना कपड़ा फोल्ड किया था यानी 3 इंच, उसमें हमने नॉचेस लगा लेने हैं और उसके बाद हम इस पर अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि इस पर क्रीज बन जाए। आयरन करने के बाद इसमें 3 क्रीज बनेंगी। ये देखिए, ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो दोनों साइड की जो क्रीज है वो हम सेंटर में लाते हुए बॉक्स प्लेट बनाएंगे इस तरह से। तो ये जो क्रीज़ है वो हम इस तरह से बनाएंगे। क्रीज़ बनाने के लिए वापस से हम इसको रॉन्ग साइड में रखेंगे ऐसे करके। सेंटर की क्रीज़ हमने फोल्ड कर दी है। अब यहाँ से नीचे की तरफ हमने लगभग 13 इंच पर मार्क करना है। अगर आपका साइज़ छोटा है तो ये मार्क आप 12 से 11 इंच कर सकते हैं, तो इसको आप कम भी कर सकते हैं। अब यहाँ से भी हम 3 इंच की चौड़ाई लेंगे और नीचे से भी, एंड इसके बाद इस मार्क को सीधा कर देंगे। अगर आप मार्क नहीं करना चाहते तो सिंपली जो क्रीज़ है उसको बस आपको फॉलो करना है और यहाँ तक सिलाई कर देनी है। इसकी जो लेंथ है वो 1-2 इंच आप अपने साइज़ के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो जो मार्क मैंने किया था उस मार्क पर मैंने सिलाई कर ली है यहाँ पर। तो ये एक बॉक्स प्लेट बन चुकी है सेंटर में, ये देख सकते हैं आप। अब देखिए, रॉन्ग साइड में जो हमारी प्लेट बनी थी उसको हमने सेंटर से पकड़ना है और जहाँ हमने सिलाई की है वो सेंटर को वहाँ रख देना है। इसके बाद ये बॉक्स प्लेट बन जाएगी कुछ इस तरह से और इसके ऊपर हमने अच्छी तरह से आयरन कर लेनी है। आयरन करने के बाद ये हमारी बॉक्स प्लेट सेट हो गई है। ये देखिए, ये फ्रंट से कुछ इस तरह से दिखेगी और इसको बनाने के बाद अब हमने इसके ऊपर से भी आयरन कर लेनी है ताकि कोई क्रीज़ इधर उधर ना बने और सेंटर से जो हमारी बॉक्स प्लेट है वो प्रॉपर सेट हो जाए। ये देखिए, इस तरह से ये हमारी सेंटर में प्लेट आएगी। सो दोनों साइड से 1.5 इंच गहरी प्लेट है। अब हमने नेक बनाना है, तो नेक बनाने के लिए मैं पेस्टिंग कैनवास ले रही हूँ डबल करके। नेक की विड्थ मैंने 3 इंच ली थी, तो यहाँ भी हम 3 इंच लेंगे। नेक की गहराई मैं 7 इंच ले रही हूँ, तो लेंथ आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ हमने 5.5 इंच पर मार्क करना है और अब हमने यहाँ से भी 3 इंच आगे की तरफ मार्क करके एक बॉक्स बना लेना है। इस बॉक्स में हम राउंड शेप देंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद नीचे की तरफ हमने वी शेप नेक ड्रॉ करना है, तो यहाँ से आगे की तरफ हम 1/2 इंच मार्क करेंगे और इसको नीचे मार्क पर तिरछा करके इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारा नेक मार्क हो चुका है। अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है पहले अंदर से, और बाहर से लगभग 1/4 इंच कैनवास छोड़ते हुए हम कट कर लेंगे। अगर आप इसमें वी नेक नहीं बनाना चाहते नीचे से, तो आप सिंपल इसमें एक स्लिट टाइप का सीधा करके कट लगा सकते हैं। तो ये नेक हमारा कट हो चुका है, अब इसको हमने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है। तो ये स्टेप आप समझ गए होंगे, कैनवास को हम फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करके सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद देखिए, जहाँ तक हमारी बॉक्स प्लेट बंद है उसका ध्यान रखेंगे, उसके बाद ही हमने नेक को पेस्ट करना है। तो जो हमारा वी पॉइंट है नेक का, वो हमने बॉक्स प्लेट की जो ये वाली सिलाई है यहाँ इसके सामने रखना है। उसके बाद हम नेक बनाकर इसको रॉन्ग साइड में टर्न कर लेंगे और इस तरह से हमारा जो नेक है वो तैयार हो जाएगा। ये देखिए, रॉन्ग साइड से जो हमारी बॉक्स प्लेट थी वो नेक के अंदर कवर हो गई है। उसके बाद हम इसके ऊपर हैंड स्टिच यानी तुरपाई कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट नेक तैयार हो गया है, जो कि कुछ इस तरह से है। अब देखिए, नेक के ऊपर हम लेस लगाएंगे। तो जो हमने वी स्लिट बनाया है यहाँ से हमने लेस लगाना स्टार्ट करना है और नीचे जहाँ तक हमारी ये बॉक्स प्लेट की सिलाई है यहाँ तक हमने लेस को लगाना है बिल्कुल सिलाई से मिलाते हुए। उसके बाद इस तरफ से हमने टर्न करना है और ये लेस को दूसरी साइड में घुमा देना है यहाँ तक। तो ये लेस हम कुछ इस तरह से लगा कर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा नेक का जो पैटर्न है वो तैयार हो जाएगा। अब हमने बैक नेक पर ये बायस स्ट्रिप लगानी है, तो इसकी 1.5 इंच चौड़ाई मैंने पट्टी की कट की है। पट्टी को डबल फोल्ड करके बैक नेक पर हमने एक पैर की सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। और ये हमारा फ्रंट वाला नेक है जिसके ऊपर हमने लेस लगा ली है, ये देखिए। इसके बाद जो हमारा बैक नेक है उसके ऊपर भी हमने तिरछी पट्टी लगाकर तैयार कर लिया है, ये देखिए।
अब हमने कंधी स्टिच करनी है तो दोनों की सीधी साइड अंदर रखेंगे और बैक नेक की जो स्ट्रिप है वो फ्रंट के नेक की तरफ को हमने फोल्ड करना है और यहाँ से आधा इंच का दबाव लेकर दोनों कंधियों को स्टिच कर देना है। साथ में जो हमारी फिटिंग है साइड की वो लगा लेंगे और इसके जो चाक दामन है वो फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो चाक दामन पर सिलाई ना करके हैंड स्टिच कर सकते हैं। तो लीजिए, इतनी हमारे जो टॉप है वो तैयार हो चुका है एंड फ्रंट वाले पार्ट के आर्म होल की भी हमने एक्स्ट्रा कटिंग कर ली थी, ये देखिए। और फ्रंट से जो प्लेट है ये कुछ इस तरह से दिखेगी। इसके बाद देखिए, हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे तो आप इसमें कफ स्लीव भी बना सकते हैं, बट हम इसमें सिंपल स्लीव बना रहे हैं। तो स्लीव की कटिंग मैंने आपको पहले ही दिखा दी थी। स्लीव की जो मोरी है वो फोल्ड करने के बाद नेक वाली लेस को मैंने स्लीव की मोरी के ऊपर लगा दिया है। सिंपली अब हम इसकी फिटिंग लगाकर अपने टॉप के साथ अटैच कर लेंगे। आप चाहें तो कंधी ज्वाइन करने के बाद भी स्लीव लगा सकते हैं, उसके बाद फिटिंग करके बस चाक दामन फोल्ड करना होगा। सो दोनों स्लीव लगाकर हमारा जो टॉप है वो तैयार हो जाएगा। लीजिए, स्लीव लगाने के बाद हमारा फ्रंट प्लेटेड टॉप तैयार हो चुका है। ये बहुत ही कंफर्टेबल और स्टाइलिश है एंड इसके साथ जो हमने अफगानी शलवार बनाई है ये भी 2 मीटर में बनी है। इसकी कटिंग स्टिचिंग वीडियो आपको देखनी है तो आप पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या फिर वीडियो देखते देखते अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो यहाँ एंड स्क्रीन पर मैं लिंक दे रही हूँ, तो इसे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।